इन्होंने बहुत अच्छा मज़मून लिखा है। हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चे सामने आएँ ताकि लर्निंग का भी मौका मिले और पार्टिसिपेशन भी हो आप सबकी। ये सर्टिफिकेट सब अपना ले जाएँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अभी मैं आपको एक कहानी सुनाना चाह रही हूँ, छोटी सी। कौन कौन सुनेगा? बस इधर से कोई नहीं सुनेगा? और वो जो सारे सीमेंट वाली दीवार पे बैठे हैं, कहानी। चलें आज थोड़ी सी कहानी पे चलते हैं फिर। आप देखें, हमने एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लोर की है कि हुंजा में हर बच्चा, हर घर में म्यूजिशियन है, और ये बहुत अच्छी बात है। हम साथ साथ आपकी म्यूजिक की एक्टिविटीज़ को भी लेके चलेंगे, ठीक है? अच्छा जी, मेरे सामने एक किताब है जिसका नाम है मगरमच्छों की गिनती। ये कहानी फातिमा जहरा ने लिखी है, इसकी तस्वीर आदि चंतिया ने बनाई है, और इसका उर्दू में तर्जुमा जो है वो रुमाना हुसैन ने किया है, ठीक है? और ये हमारी ITA की पब्लिकेशन है, ठीक है? यानी हमारे इदारे की इदारा तालीम आ गई की। अब हम देखते हैं कि कहानी कहती क्या है। इस कहानी में हमने बेसिकली मगरमच्छों की जो है वो गिनती करनी है। छोटे जो हमारी जूनियर क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ी मज़ेदार। एक छोटी हिरनी दरिया के पार दावत में जाना चाहती है, मगर उसके रास्ते में बहुत से मगरमच्छ हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए, वो सब बहुत भूखे हैं। ओह नहीं, वो सब इधर ही देख रहे हैं। क्या वो छोटी हिरनी को एक ही निवाले में खा जाएंगे? आपको क्या लगता है, वो खा जाएंगे कि नहीं खाएंगे? इतने सारे मगरमच्छ हैं और एक छोटी सी हिरनी, क्या वो खा जाएंगे कि नहीं खाएंगे? आपकी आवाज़ नहीं आई। यहाँ पर बैठे लोगों को क्या लगता है, और आपको क्या लगता है, नहीं खाएंगे? तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या वो छोटी हिरनी को खा लेंगे या नहीं खा पाएंगे। रुक जाओ, छोटी हिरनी बोली, तुम इतने बहुत से हो, मुझे बराबर कैसे बांटोगे? छोटी हिरनी साथ साथ सयानी भी है। क्या है? सयानी और चालाक। क्यों? क्योंकि उसने क्या कहा, तुम इतने बहुत से हो, यानी मगरमच्छ बहुत ज्यादा हैं, तो सब मिलकर मुझे कैसे बराबर बांटोगे? मगरमच्छ बड़बड़ाने लगे, मगर उन्होंने गिनना शुरू कर दिया कि हम कितने हैं। एक, दो, तीन, एक, दो, हेलो, एक, दो, तीन, चार। आगे देखते हैं ना कि क्या होता है, हमारी हिरनी भी तो चालाक है। फिर मगरमच्छ परेशान हो गए, वो नहीं जानते कि चार के बाद कौन सा नंबर आता है। अब क्या होगा, आगे देखते हैं। छोटी हिरनी ने एक मशवरा दिया, मैं गिनती करने में तुम्हारी मदद करूंगी। उसने कहा, तुम सब दरिया के एक किनारे से दूसरे तक एक कतार बना लो। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ब्रिज बनाएंगे। वेरी गुड, चलो देखते हैं क्या होता है। छोटी हिरनी कहती है, हिलना नहीं, ऐसे ही रुके रहो और अब हम फिर से गिनती करेंगे। छोटी हिरनी ने अब एक मगरमच्छ से दूसरे मगरमच्छ की पीठ पर छलांग लगाना शुरू कर दी। अब क्या होगा, लेट्स सी। एक, दो, तीन, चार, पांच,
छः, सात, कितने हो गए? फिर से बताओ। अच्छा बताओ, सात के बाद कौन सा नंबर आता है? उसने दूसरी तरफ से पूछा। जब वो उनके ऊपर से पार करके दूसरी तरफ जा चुकी थी तो क्या पूछा? सात के बाद कौन सा नंबर आता है? सारे मगरमच्छ एक साथ जोर से बोले, क्या बोले? तो सात के बाद कौन सा नंबर आया? लेकिन उन्होंने जवाब जरा देर से दिया, इतनी देर में कि इनका नाश्ता जंगल में कहीं गायब हो चुका था। और हिरनी, आप देखें बड़े गौर से इस तस्वीर को, कि अपने दोस्त की पार्टी में जाके एंजॉय कर रही है और केक खा रही है। सो कैसी लगी कहानी? अच्छा, इस तरह की कहानियां हैं किसी के पास? कोई सुनाना चाहता है यहाँ से? एक कितनी मजेदार किस्म की कहानी सुनाई है। आप चाहे अपनी जुबान में सुनाएं कोई भी कहानी जो आपने अपनी दादी जान से सुनी हो, दादा अबू से सुनी हो। अच्छा जी, वो बच्ची हैं जो कि कहानी सुनाना चाह रही हैं, आ जाइए। इसी तरह आप अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज में हमारे साथ जो है वो अपनी कहानियाँ शेयर करें। बहुत मज़ा आता है, कहानी हमेशा हमें बहुत मज़ेदार चीज़ें बताती हैं। चलें जी, आपका नाम?